बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पांडली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर बंदूकें निकल आईं और उन्होंने पहले तो एक दूसरे बंदूकें तान ली और फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में दो तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पहुंची और स्थिति को काबू कर लिया। घायलों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करा दिया, जहां एक युवक की खून बह जाने के कारण मौत हो गई और दूसरे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि गोलीबारी में दो की मौत हो गई है और एक लोग की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाम विशाल है। ये जो मृतक इनके गोली लगी है, ये कौन है आपके? और ये मेरे मामा का लड़का है। किसने मारी ये गोली? ये केहर सिंह है और उनके पुत्र है और उनके कुछ अन्य साथी हैं जो बदमाश लोग हैं, और उन्होंने मिलकर साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस को तहरीर दे दी आपने? जी, पुलिस को तहरीर दी है हमने, वो कार्रवाई चल रही है। दूसरा व्यक्ति सत्येंद्र सिंह और फिर सोनू, उनको गोली लगी है, उनको बिजनौर रेफर कर दिया गया है। मेरा डॉक्टर मानस स्वामी। मानस जी, पांडली मांडू में गोलीकांड हुआ है, क्या कुछ कहना है? कितने लोग घायल हैं इसमें? और इसमें हमारे पास दो लोग आए थे, जिसमें एक को गोली लगी है, वो भी गंभीर अवस्था में है, उन्हें हमने बिजनौर रेफर करा है, और दूसरे जो आदमी है वो मृत अवस्था में आए थे। तो टोटल दो लोगों को इंजरी हुई है। एक की डेथ हो गई? जी, एक मृत अवस्था में, उनकी डेथ हो गई। पूरा मामला क्या है? थाना धामपुर के गांव पांडली मांडू में आज दो पक्षों में एक कुत्ते की खरीदारी के ऊपर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। इसमें एक राहगीर प्रशांत को गोली लगी, उसकी मृत्यु हो गई। उसके चाचा सतेंद्र घायल हैं। इन दोनों पक्षों में से एक केहर सिंह को भी मार दिया गया है, जो इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई। अभी दोनों पक्षों के लोग भागे हुए हैं, तहरीर थाने में प्राप्त होनी शेष है। पुलिस टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई।